हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके लॉ प्रोग्राम के बारे में। वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में। बेहतरीन पढ़ाई होता है। अगर थ्री ईयर प्रोग्राम के लिए आप सोच रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस जरूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को देना, क्योंकि यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी होता है। आप इसकी पढ़ाई का अंदाजा इसे लगा सकते हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो इस समय 45 परमानेंट जज है, उसमें जो है 70% जो है यहीं DU के पढ़े हुए हैं। तो इसी से अंदाजा वन ऑफ द बेस्ट है। केस बेस ओरिएंटेड स्टडी होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट लॉ कॉलेज माना जाता है पूरे यूनिवर्सिटी में। नंबर एक पे आता है ये, जो थ्री ईयर प्रोग्राम ऑफर करता है। अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल। तो सबसे पहले आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो pgadmission.uod.ac.in पे आप विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़ लीजिएगा, अप्लाई करने जाइएगा तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या है, सारे डिटेल तो वैसे अवेलेबल हैं। आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम भी अवेलेबल है, लेकिन एक बार आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको जो है फी के रूप में 750 रुपीज़ जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, OBC हैं या EWS कैटेगरी के हैं, उनको पेड करने पड़ेंगे, और 300 रुपीज़ जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST या फिर फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं उनको पेड करने पड़ेंगे। लास्ट डेट आपका जो है 21 अगस्त 2021 है। सो अभी आपके पास टाइम है, डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट। रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस ये कंप्लीट कर लीजिएगा और फोकस करके अपने एंट्रेंस पे। हार्डली आपके पास 2 मंथ हैं ओनली प्रिपरेशन के लिए। एंट्रेंस डेट भी डिक्लेयर हो चुका है, वो सेप्टेम्बर में है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ DU LLB के बारे में, तो वन ऑफ मोस्ट प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट, मैंने पहले ही बोला था ये है। लॉ फैकल्टी यहाँ 1924 से इस्टेब्लिश है, बेस्ट है नो डाउट। एक कोर्स जो है यहाँ पे केस बेस स्टडी होती है, यहाँ पे जो है केस बेस ओरिएंटेड स्टडी होती है, तो जिससे जो है बहुत ही बेहतरीन जो है इंटेलेक्चुअल माइंड हो जाता है जो लॉ पढ़ने वाले हैं उनका, अदर जो लॉ यूनिवर्सिटी है जो थ्री ईयर प्रोग्राम ऑफर करती हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे केस बेस स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए जो है प्रैक्टिकल मेथड पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हो जाती है लॉ के मामले में थ्री ईयर प्रोग्राम के लिए। अब जो है मेन जो है बात करते हैं नियरली सीट, तो यहाँ पे आपका जो है 2900 नियरली अबाउट सीट है यहाँ पे, और 3 कैंपस हैं, कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 2 और लॉ सेंटर 1। फॉर्म फिलअप करते समय आपका जो है प्रेफरेंस पूछेगा, तो सबसे पहले आप CLC लॉ कैंपस लॉ सेंटर डालिएगा, उसके बाद लॉ सेंटर 1 या 2 में जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। एक में क्लास आपका इवनिंग में चलेगा, बाकी 2 में आपका मॉर्निंग में चलेगा, CLC में मॉर्निंग में चलता है। नॉटेबल एलुमनी की मैं बात करूँ तो OP वर्मा, DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, नवीन सिन्हा, अरविंदन नरिमन जैसे काफ़ी प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जो है लॉयर रहे हैं, बेहतरीन यहाँ से फैकल्टी नो डाउट बेहतरीन है, तो बेहतरीन यहाँ से जो है स्टूडेंट भी निकलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो मिनिमम 50% ऑन रिजर्व के लिए चाहिए, 45% अगर आप जो है OBC कैटेगरी से हैं तो, और एटलीस्ट 40% आपको SC ST क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको चाहिए, ग्रेजुएशन या PG जो भी आपने कंप्लीट किया है। अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लर्निंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आप पास आउट होने चाहिए अपने जो है लास्ट ईयर के एग्जाम को। सिलेबस की मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज़, लीगल अवेयरनेस एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन है आपके, 4 सेक्शन से 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, और 2 आवर में करने रहेंगे आपको, यानी 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे। 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, 4 अंक मिलेंगे अगर आपका सही रहता है आंसर, और अगर आपका गलत रहता है तो 1 मार्क डिडक्टेड हो जाएगा आपके जो है रॉन्ग आंसर के कारण। बेस्ट जो है पेपर होता है ये, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ही पेपर होता है, और सबसे बड़ी बात CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, NTA कंडक्ट कराता है ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है CBT के लिए, और सबसे बड़ी बात टाइम जो है लिमिटेशन आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ही एक्यूरेसी स्पीड एक्यूरेसी आपकी बेहतरीन रहेगी आप अपने जो है एंट्रेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो जो आपको आए उसी पे टिक करना, दैट मीन उसी को रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज जो नहीं आ रहा है जिसमें थोड़ा भी डाउट हो बिल्कुल रिस्पॉन्स मत करना। और CBT मोड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मॉक टेस्ट आप देने के लिए NTA के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर आप देख सकते हो कैसे जो है रिस्पॉन्स किया जाता है CBT मोड में, अगर आप जो है नहीं अभी कभी अपीयर किए हो CBT मोड। तो अब बेसिक बुक रिकमेंडेशन की मैं बात करूँ तो आपको जो है बेसिक बुक रिकमेंडेशन जो आपको पढ़नी ही चाहिए, अगर आपने बिल्कुल बुक नहीं लिया तब इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के लूसेंट, वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हो, रेड मार्टिन ले सकते हो, अप टू 10th लेवल का इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पूछता है, बहुत हार्ड नहीं आता है वो। अब वर्ड मेड पावर इजी ले लोगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपका वर्कअप भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है तो वो भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी। जनरल अवेयरनेस के लिए आप दिशा यूनिवर्सल लूसेंट पियर्सन की कोई बुक ले सकते हो, हार्डली जो है लास्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर पूछता है, रिसेंट का भी करंट अफेयर पूछ देता है 1 महीने पहले तक का, तो बहुत ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स अपना बनाते समय जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके। प्रीवियस ईयर पेपर आप इनसाइडर मंत्रा चैनल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, 10 ईयर पूरा पेपर आपको मिल जाएगा।
लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप विलेज की बुक ले सकते हैं, अभी भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट है, अगर वो ये बुक है तो बेहतरीन है, लीगल का प्रिपरेशन इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है। एनालिटिकल एबिलिटीज़ के लिए आप आर एस अग्रवाल एम टायर एक बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा आप जो है बेसिक आपका सही है फिर एम टायरा ले लो, आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। एन सी आर टी 10th का मैथ सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर ये इतनी बुक है, अगर नहीं लेना चाहो ऑलरेडी आपके पास एक गाइड भी लिए हो आप जो है स्टडी पैकेज ऑफ क्लैट या LLB की या यूनिवर्सल की या फिर अरियंत की कोई गाइड लिए हो आप तो काफ़ी हेल्प करेगा वो। बस ये है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट यू नोटेड ऑल्सो यूनिवर्सल के 10 ईयर का पेपर एक ले लेना, वो काफ़ी हेल्प करेगा। 10 साल के पेपर से आपको हेल्प करेगा, कैसे क्वेश्चन पैटर्न आते हैं सॉल्व कैसे करनी ये पूरी डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी। और पेपर जो है अगर सॉल्व करोगे तो एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, टाइम होरिजन के अंदर सॉल्व करोगे तो स्पीड एक्यूरेसी भी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, तो कैसे आप प्रिपरेशन को आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो 3 लॉ सेंटर हैं लेकिन सबसे बेस्ट CLC है, तो CLC में जगह बनाने के लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क करिए लेकिन सेलेक्टिव जो है और स्टडी अप्रोच के साथ पढ़िए, काफ़ी जो है हेल्प करेगा वो, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, एक तो 2 बेनिफिट होंगे आपके, वकैब भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा और करंट अफेयर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, यूनिवर्सल का मैंने बताया 10 ईयर का वो पेपर मिलता है, हार्डली जो है 200 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते फिर मेरे टेलीग्राम चैनल इनसाइडर मंत्रा से डाउनलोड कर सकते हैं 10 ईयर का पेपर, वो भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे यूनिवर्सल का, तो क्योंकि ये 10 ईयर पेपर से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और 10 साल का पेपर सॉल्व करने से आपको हर तरह के क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो जाएगी, किस तरह के जो है क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, क्या क्या हमें पढ़ने हैं क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, लेकिन आपको एक स्टडी अप्रोच आपको कन्फर्म पता चल जाएगी तो आप आसानी से जो है एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। 2 मंथ के स्टडी प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी हेल्प करता है प्रीवियस ईयर पेपर, इसीलिए नेवर इग्नोर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा। NTA मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है अपने वेबसाइट के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे आप जो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टाइम होरिजन के अंदर कितनी स्पीड एक्यूरेसी है आपकी, ये सारी पता चल जाएगी। प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है तो इग्नोर मत कीजिएगा, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे टेलीग्राम के और DU अप्लाई के भी। एक इंपॉर्टेंट कोर्स है डू योर बेस्ट फॉर गेट टेस्ट, अपना अच्छा करने का बस प्रयास कीजिए और बाकी भूल जाइए, केवल एक बात याद रखिए हमेशा मेरा जो है अपना 100% देना है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।